नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया था केंद्र सरकार द्वारा और जिस पर ट्राइब्यूनल ने भी मुहर लगा दी थी, उस फैसले को पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर ट्राइब्यूनल ने सरकार के फैसले पर सहमति जताई थी, उसको सही माना था, तो आप उस फैसले के खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, जिसका जवाब पीएफआई के वकीलों के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ पहले आप हाई कोर्ट जाइए, यानी ट्राइब्यूनल ने जो फैसला दिया है उसके बाद हम इस सुप्रीम कोर्ट आ पा सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसका मतलब साफ यह है कि पीएफआई पर जो प्रतिबंध है वो बरकरार रहेगा। पीएफआई के पास विकल्प है, वो चाहे तो ट्राइब्यूनल के जो फैसला है उसके खिलाफ वो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकता है, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया होगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक जोरदार झटका लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।